नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर गणेश उत्सव के खबर 24 के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आप सभी गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भी मना रहे होंगे। 10 दिन तक पूरा त्योहार ये बनने वाला है और गणपति बाप्पा नन्हे मुन्हे बाल गणेशा हमारे साथ 10 दिनों तक रहने वाले हैं, इसलिए खबर 24 भी कहां पीछे रहने वाला है। 10 दिनों तक हम भी आपको लगातार गणेश जी की बहुत ही रोचक रोचक कहानियां और किस्से सुनाएंगे। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हो रहा था उस समय में क्या दिक्कतें आई और गणेश जी को निमंत्रण न देने पर किस तरीके से गणेश जी ने फिर विवाह को संपन्न होने में बाद में मदद की। देश भर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, ऐसे में हम आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विवाह में गणेश जी की भूमिका के बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान गणेश के पधारने के बाद ही विष्णु और मां लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। दरअसल भगवान विष्णु ने अपने विवाह में गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया था, ऐसे में गणेश जी नाराज हो गए और उनके विवाह में विघ्न डाल दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी, विवाह में सभी देवी देवता शामिल हुए लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया गया। जब गणेश जी नहीं दिखे तो सभी देवताओं ने उनसे गणेश जी के नहीं आने की वजह पूछी और भगवान विष्णु ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव को ही निमंत्रण दिया है, गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। देवताओं ने भगवान विष्णु को सुझाव दिया कि वह गणेश जी को विवाह में बुला लें और द्वारपाल की जिम्मेदारी सौंप दे। इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए गणेश जी को बुलाया गया और उन्हें घर के देखरेख का काम सौंपा गया। जब विष्णु जी की बारात जा रही थी तो नारद मुनि की नजर गणेश जी पर पड़ी और उन्होंने गणेश जी को इस विवाह में शामिल न होने का कारण पूछा। इस पर गणेश जी ने नाराज होकर नारद जी को बताया कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि वह भगवान विष्णु की शादी में विघ्न डालने के लिए अपनी मूषक सेना को भेजें ताकि उन्हें सम्मान पूर्वक विवाह में बुलाया जाए। इस पर गणेश जी ने अपनी मूषक सेना वहां पर भेज दी और सारे चूहों ने मिलकर जमीन खोद डाली और बारात में रुकावट आ गई। कहा जाता है कि इस दौरान कई रथ भी जमीन में धस गए थे। जब सभी परेशान हो उठे तो नारद जी ने सुझाव दिया कि भगवान गणेश को विवाह में सम्मान पूर्वक बुलाया जाए ताकि सभी कार्य सिद्ध हो सके। इस तरह गणेश भगवान विष्णु के विवाह में शामिल हुए और बारात चल पड़ी। इस तरह विघ्नहर्ता गणेश जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के विवाह में शामिल हुए तब जाकर यह विवाह संपन्न हुआ। हमारी आज के इस गणेश उत्सव रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन 10 दिन तक लगातार हमारे साथ इस गणेश उत्सव प्रोग्राम में बने रहिए।